एनालिसिस ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए हमें डिफरेंट पैरामीटर्स की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्लोज लूप वोल्टेज गेन पैरामीटर फॉर द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर के लिए यहाँ पे एक ऑप एम्प लेंगे, उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को इनपुट कनेक्ट करेंगे और इन्वर्टिंग टर्मिनल को यहाँ पे फीडबैक सर्किट कनेक्ट करेंगे। फीडबैक सर्किट में R1 और RF कॉम्पोज रहेंगे। तो क्लोज लूप वोल्टेज गेन ऑफ द वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर डिनोट करेंगे AF से, क्योंकि इसमें फीडबैक भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए क्लोज लूप वोल्टेज गेन इज डिनोटेड बाय AF और उसको फाइंड आउट करेंगे थ्रू दिस इक्वेशन आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। अगर हमारे पास आउटपुट वोल्टेज जो है वो है गेन मल्टीप्लाई बाय डिफरेंस ऑफ वोल्टेज V1 माइनस V2। अगर यहाँ पे V1 की वैल्यू है हमारे पास V1 इज इक्वल टू Vin, V1 जो है वो Vin है, और V2 की वैल्यू है, V2 की वैल्यू हम ये फीडबैक सर्किट से फाइंड आउट करेंगे, तो V2 इज इक्वल टू फीडबैक वोल्टेज इज इक्वल टू R1 इनटू द आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय R1 प्लस RF। अब ये V1 और V2 की वैल्यू हम इस आउटपुट वोल्टेज में पुट करेंगे, तो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा VO इज इक्वल टू A इनटू V1 की वैल्यू है हमारे पास Vin इनपुट वोल्टेज है, माइनस V2 की वैल्यू है R1 इनटू आउटपुट वोल्टेज VO डिवाइड बाय R1 प्लस RF। ये V1 और V2 की वैल्यू हमने आउटपुट वोल्टेज में यहाँ पे पुट कर दी। इसको अगर हम रीअरेंजमेंट करते हैं तो हमको आउटपुट वोल्टेज मिलता है VO इज इक्वल टू A इंटू R1 प्लस RF इंटू Vin इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय R1 प्लस RF प्लस AR1। यहाँ पे हमने देखा है कि इनपुट जो रेजिस्टेंस है RI वो बहुत बड़ा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन R1, इसलिए R1 को हम मिनिमाइज करेंगे, R1 को हम जीरो सपोज करेंगे, नेगलिजिबल सपोज करेंगे, और RI इनपुट रेजिस्टेंस को यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे। तो आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके हमें ये आउटपुट वोल्टेज मिला है। इसके बाद ये जो AF है क्लोज लूप वोल्टेज गेन VO डिवाइड बाय Vin, इसमें हम ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये AF हमें मिल जाएगा। ये आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू इसमें पुट करेंगे A इंटू R1 प्लस RF इंटू द Vin। Vin जो है वो हम यहाँ ले गए हैं, तो हमें Vin यहाँ से यहाँ शिफ्ट करना है तभी जाके गेन मिलेगा, डिवाइड बाय दिस R1 प्लस RF प्लस AR1। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये मिल गया गेन ऑफ द क्लोज लूप वोल्टेज गेन विद फीडबैक। अगर AR1 ये बहुत ग्रेटर है, इस इक्वेशन में AR1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस R1 प्लस RF। AR1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R1 प्लस RF और R1 प्लस RF प्लस AR1 इज इक्वल टू AR1। R1 प्लस RF प्लस AR1 ये AR1 के बराबर है, तो ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो AF मिल जाएगा हमें क्लोज लूप वोल्टेज गेन विद द हेल्प ऑफ फीडबैक। AF मिल जाएगा आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, इसमें AR1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस R1 प्लस RF और AR1 जो है वो R1 और RF के इक्वल ही है, तो
तो ये वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी ए आर वन प्लस ए आर एफ, ए आर वन प्लस ए आर एफ डिवाइड बाय दिस ए आर वन, क्योंकि यहाँ पे हमने बोला है आर वन प्लस आर एफ प्लस ए आर वन इज नथिंग बट द ए आर वन। यहाँ पे ये जो इक्वेशन मिली है इसमें जो इक्वेशन है ए एफ की वो क्लोज लूप वोल्टेज गेन की, इसको हम वन प्लस आर एफ डिवाइड बाय आर वन इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे। इसको अगर सॉल्व करते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिलेगी, और जो ये इक्वेशन है ये आइडियल इक्वेशन है फॉर द क्लोज लूप वोल्टेज गेन के लिए, दैट इज द वन प्लस आर एफ बाय आर वन।